गांव का माहौल कुछ ऐसा है, सुबह सुबह ठंड बहुत थी आज भी, और यह है कि दिन में मौसम हो जाए प्रेजेंट बिल्कुल एकदम से दिन में धूप आ रही है। लेकिन अभी क्या है ना, मेन मकसद लोगों का क्या हो गया है, सिर्फ इन बंदरों को भगाना। अब ये बंदर ना मेरे कैमरा देख के बहुत डरते हैं, जैसे ही मैं इनके ऊपर कैमरा लगाता हूँ ऊपर माइक को बंदूक समझते हैं, क्या समझते हैं, तो दौड़ लगाते हैं। ये देखो ये, तो ये सारे बंदर देखो कितने सारे हैं, ये देख रहे हैं आपको, ये पकड़ 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 यूँ ऐसे करके भगाने पड़ते हैं ये सारे बंदर। तो अभी ये मॉर्निंग में आते हैं और सारी खेती तहस नहस करते हैं। खैर आज तो कुछ है नहीं सिर्फ अरबी के अलावा, अरबी के अभी तो बड़े बड़े पत्ते लगे हैं ना, लेकिन अभी ये नींबू जो पीले वाले हैं उनको खा जाएंगे, क्योंकि पहले ये नींबू नहीं खाते थे लेकिन अभी ये कुछ भी खा रहे हैं जो मिल जाए इनको, बस पेट भरना चाहिए। सो गाइस दिस इज आदि, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब आदि व्लॉग्स। तो हम लोग आए थे पहाड़ पे अपने गांव में, कल थी घर पे उसकी पूजा जो ब्लॉग में आपने देखा था। तो अभी हम सब लोग रेडी हो रहे हैं और फिलहाल आज है जाना अपने माकोट, माकोट मतलब नैनीहाल को हम लोग मिलते हैं, माकोट मतलब माँ का गाँव। तो आज हमारा प्लान है माकोट जाने का। मैं करीब 10-12 साल से वहाँ नहीं गया हूँ, 10-12 साल मेरे को हो गए कि अभी मैं माकोट नहीं गया हूँ अभी, लेकिन आज कल मामा लोग भी आए हुए थे तो आज वहाँ पे हैं लोग, वरना क्या है वहाँ कोई रहता नहीं तो हम लोग इसलिए जाते नहीं हैं। तो आज मामा जी लोग आए हुए हैं तो हम लोग वहाँ पूजा है तो जा रहे हैं माकोट। आज देखते हैं अपने नैनीहाल के दर्शन कराते हैं, कितना अच्छा गाँव है कपड़ा में, यहाँ से बाय कार हमको जाना पड़ेगा फिर बाय वॉक करके जाना पड़ेगा। तो ऐसे है, तो ऐसा है मेरे घर का रास्ता देख रहे हो आप। अभी ये मतलब जैसे ऑटो में आएगा तो ये पत्ते सारे ओस से हो जाएंगे, सूखे पड़ जाएंगे और उसके बाद ये जो रास्ता है सारा साफ साफ नजर आएगा। लेकिन अभी एकदम से बरसात के बाद थोड़ा घास आ जाती है, धीरे 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 ये ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसा ये रास्ता आया, ये रास्ता चला गया ऊपर को गांव की ओर को। बस सोचा था कि गांव का पूरा टूर कराऊंगा लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया टूर अभी तक। तो ये रास्ता जा रहा सीधे मार्केट की ओर को। ऐसे ही गांव में चार पाँच रास्ते हैं, चार पर पाँच रास्ते सबके सब मार्केट की ओर को जाते हैं। ये है हमारे गांव का मंदिर, ऊपर गाँव माइक एक लगे हुए, ये उसका फ्रंट गेट है, एक गेट उस साइड से है, अगर लोग उस साइड से आना चाहें तो उस साइड से भी आ सकते हैं। तो ये कुछ लाइट है रात में, अभी सोलर एनर्जी से चार्ज होती है ये बैटरी, फिर रात में ये लाइट एलईडी लाइट जलती है, कुछ जगह पे है मतलब हाँ करीब 12-13 लाइट है पूरे गाँव में, गवर्नमेंट की ओर से लगी हुई है। वो देखो ये होती है सेहत, यहाँ ना बंदर भी इतना मोटा होता है कि आदमी उसको देख के डरे। और बच्चा के बगल से बेचारा ऐसे निकल गया। तो हमारा जो घर बनाया ना वो सामने है उधर, वो उधर वो वाला घर है वो उधर, तो वो रोड के किनारे है बिल्कुल एकदम से गांव रोड पे, रोड गांव पे नहीं आ पाई तो हमने घर को रोड पे पहुंचा दिया, ऐसा बोल सकते हैं। तो ये पेड़ है मीहल का पेड़ है, अभी ये मीहल है ना, अभी ये ब्राउन कलर का है, कुछ दिन पर ये ब्लैक हो जाएगा और बिल्कुल इसका टेस्ट जो होता है बिल्कुल च्यवनप्राश की तरह होता है और सूखा सूखा खाने में तो और ज़्यादा मज़ा आता है इसको। मतलब मोस्टली ना अभी पैराकीट आते हैं सर्दियों के टाइम पर, जब ये पकने लग जाएंगे तो पैकेट इसको खाएंगे। अगर कहीं कोई ब्लैक वाला मिलेगा तो मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगा। हम लोग आगे अपने नैनीहाल की ओर को, हाथ से कपड़ा फिर कपड़ा से मासर, मासर हमारा नैनीहाल है, पंडित जी भी साथ में बैठे हुए, पीछे मम्मी निहारिका और पापा बैठे हुए, साथ है पंडित जी। तो ऐसा कुछ यहाँ की रोड है, यहाँ की रोड अगर पूरे गाँव तक रोड की हुई है तो यहाँ ज़्यादा दिक्कत नहीं पड़ेगी, थोड़ा बहुत हमको पैदल चलना पड़ेगा। तो मम्मी अपना स्कूल लेके खुश हो रही है, मम्मी ने बचपन में यहाँ पढ़ा, कौन सा स्कूल है मम्मी है, मदर खान राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 26 क्षेत्र द्वारा हाट लिखा हुआ है, 26
सभ्यता क्षेत्र द्वारहाट लिखा हुआ है। ये तुम इधर को क्यों आ गए, उधर को जाना चाहिए था। अच्छा तो मम्मी अपने मम्मी बचपन में याले स्कूल पढ़ती थी यारी का पास तक पढ़ा था, यहाँ पास तक मम्मी ने याले स्कूल में पढ़ा हुआ है। ये अब यहाँ बुझबा देगी सब है तो हम लोग आते थे बचपन में यहाँ खेलने के लिए। इधर ऊपर जो टावर बनाया ना उधर कहीं यहाँ का ग्राउंड हुआ करता था, और नीचे हमारी एक बुआ भी रहती है नीचे इसी गांव में, उसके नीचे भी फील्ड था, वहाँ भी हम लोग क्रिकेट खेलते थे। तो ये मकान मैंने जब से देखा है आज भी वैसा ही है, एक यही मकान चेंज नहीं हुआ, बाकी सारे मकान देखो लेंटर वाले हो गए। ये मकान जैसा देखा था वैसा ही अभी भी है। काम पहुंच गया अपने नैनिहाल माकोट, तो ये हमारे माकोट का घर देखो, दी दर्जी घर भयो माकोट आ गई है। सुमे माम माम छी माई में माम तो मामी बिल्कुल वेरी पेरी पे जैसे है रे, वेरी पेरी पे जैसे है जैसे है। वैसे बताओ के को है मैं के को मामी के समझ में नहीं आ रहा है, है? जब बोलो कुछ बोलो, क्या बोले कुछ ही बताओ अपने बारे में बताओ क्या अपने बारे में क्या बताएं? अभी खाना खा के आ रहे हैं। अच्छा हाँ बर्तन बाहर से रह आए हैं। बर्तन रखे ना अपने दादा जोगेश दादा, ये गुन्नू हेलो हेलो, ये छोटे वाले ऊटी हैं। हाय गाइस, ये हमारे भैया हेलो मास्टर हैं। मास्टर है अंग्रेजी मास्टर हर चीज का मास्टर हर चीज का मास्टर। ये देखो ये सॉरी ये सॉरी हेलो हाय पंडित जी वहाँ बैठे हुए, वहाँ मामी एक हैं, वहाँ बंटी भैया मेरे और मामा जी हैं, एक मामा जी बैठे हुए अपनी किताब लिख रहे हैं शायद देवी मम्मी की तरफ। मामा जी ऊपर कर लो। तो पांचों भाई छह भाई बहनों में दो जने वो हैं राइटर, मम्मी और याले मामा जी दो जने राइटर हैं। बिल्कुल राइटर है। मैं अभी ये देखो भैया दूध कैसे बनाते हैं, ये शाव का बुद्धि शुकोतरान गंगा जन कभी कभी चाची दूध भी होना चाहिए। तो भैया आज गांव खिलाइए ना पूरी। क्या क्या साग बना रहे हो? हमारे यहाँ रिपुदा अभी तो चटनी बन रही है एक, फिर एक गडेरी और मूली बनेगी। हाँ उसके बाद एक आलू और चना, आलू चना सूजी हो गई, पूड़ी हो गई और हलवा हो गया, हलवा हो गया, बड़े हो गए। ये तो ये है देखो अभी तो ये बर्तन गांव वाले हैं कि टेंट हाउस वाले? ये गांव के ठहरे पंचायत वाले है ना, पंचायत वाले देखो पंचायत के बड़े बड़े डेग हैं, पंचायत की कढ़ाई पूरी सारे पंचायत का है, पंचायत के हैं। तो यहाँ क्या होता है कि मोस्टली बनाने वाले भी पंचायत वाले ही हैं, पंचायत वाले का गांव वाले ही बनाते हैं, गांव वाले सब्जी काटने वाले। हां वो पाठक जी आए हैं और थोड़ा एक वो हमारे नाहरा से, अच्छा ये भी रिटायरमेंट वाले हैं। अच्छा दाढ़ी बनाने का समय नहीं है, बिजी रहते हैं खूब, जल्दी बाद में करेगा। और वो उनके भाई साहब हैं। और ये कहाँ से आए हैं? ये वही हैं नारा से, हमारे अच्छा पंडित जी यही हैं। अच्छा। ये हमारे बगल गांव चिरल गांव के हैं, ये बर्तनों के लिए बुला रखे हैं। चिरल गांव का तो पूरन सिंह मेरे दोस्त हैं, पूरन सिंह। हाँ Yeah.
ये क्या बना रहे हो? ये सूजी है? ये सूजी बन रही है फिलहाल, दिखा देते हैं आपको। एक तो ये लकड़ी की आंच नहीं हो रही है, आ रहा है धीरे धीरे लाइन पर। ये बन रही है सूजी। सूजी बन गई है पतला स्वीट डिश के तौर पे। स्वीट डिश के लिए ये है सूजी। उसके बाद आपको दिखाया जाएगा गडरी और मूली की तरीदार सब्जी। गटपटी होगी ये थोड़ी देर में, अभी वो हो रही है। गडरी और मूली की सब्जी, गडरी और मूली की सब्जी है ये। ये है टेक्सचर। अभी और थोड़ी गर्म हो रही है धीरे धीरे, और जो है और पकेगी अभी। यहाँ पे चाय बन रही है, जो आते जा रहा है चाय सब दिखा रहे हैं। हाँ दीपिका, बहुत मेहनत का काम हो गया। ये है आपका चने और आलू की सब्जी। ये है चना, ये है आलू, ये लगभग लगभग तैयार है। तो ये लकड़ी के जो चूल्हे में जो खाना बनता है ना, इसका टेस्ट ही दिखाते हैं डिफरेंस चटनी का। ये है अमचूर की चटनी। साथ में हरी मिर्ची इसमें साबुत डाली है, लाल मिर्च भी है ना, लाल मिर्च साबुत, लाल मिर्च साबुत है। और वो बड़े के लिए बना रखा है ये बनेगा सिलबट्टे में पीस के बनाया हुआ है, बन गया है। और ये उसमें गोल गोल बन गए बड़े। ये आटे का कर रहे हैं तैयारी, यहाँ आटा गूंदा जा रहा है, आटा गूंदा जा रहा है, उधर सलाद की तैयारी। इसमें खीरा कटा हुआ है तो ये सलाद बनेगा। और ये पूरा आटा गूंद गया है, 500 पूरी बन जाएंगी ना इसमें, हैं? 500 पूरी के करीब ये आटा गूंद गया। तो भैया ये सज गई है थाली। दीपूदा की मेहनत का कमाल है, सुबह से लेकर शाम तक। और उनका ये तो उन्होंने सुबह से लेकर शाम तक अभी तक खाना बना दिया। ये है पूरी और गड्ढे की सब्जी, पर टेस्ट करते हैं। गड्ढे की सब्जी बड़ी अच्छी हो रही है, अब चने की खा के देखते हैं। चने की सब्जी बहुत अच्छी हो रही है। हेलो, हाय, अच्छा। कैसा लगा खाना? बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी। आप लोगों से मिलके कई साल बाद बड़ा अच्छा लगा। अब मिले थे हम तिलक, उसके बरबंद में मिले तिलक के ना। तिलक की शादी में नहीं आया ना, तो तू नहीं आया था, मम्मी और निहार का थी। चलो तो यहाँ जातवत का मीटअप हो रहा है अभी। हम आतवत का मीटअप था, अब ये जातवत का मीटअप है। इमाम जी हैं, घूमते रहो, इधर जाना उधर जाना, रहो खुश रहो। टाइम क्या रहता है, कोई बात थोड़ी है। अरे हाँ, जहाँ मौका मिले निकल जाना चाहिए, और क्या।